दोस्तों एक साल में लगातार चार बार आरबीआई द्वारा रेपो रेट बढ़ने के कारण कई बैंकों ने सीनियर सिटीजन के लिए 3 साल की अवधि वाले फिक्स्ड डिपॉजिट पर ब्याज दरों में वृद्धि की है। दोस्तों अक्सर देखा जाता है कि कई वरिष्ठ नागरिक अपनी सेविंग में ज़्यादातर एफडी में निवेश करते हैं, क्योंकि दोस्तों एफडी में निवेश करना सबसे अधिक सुरक्षित इन्वेस्टमेंट माना जाता है, जिससे उन्हें नियमित अवधि पर इनकम मिलती है जो इमरजेंसी फंड बनाने में मदद करती है। इसके अलावा दोस्तों कुछ बैंक सीनियर सिटीजन को स्पेशल टेन्योर के साथ अधिकतम ब्याज दर ऑफर कर रही हैं, जिसमें निवेश करके काफ़ी अच्छा ब्याज अर्न किया जा सकता है। दोस्तों अलग अलग बैंकों द्वारा अवधि के हिसाब से अलग अलग ब्याज दर पेश की जाती हैं। अपनी आवश्यकता के अनुसार सीनियर सिटीजन अपने खर्चों को पूरा करने के लिए नियमित ब्याज लेने या मैच्योरिटी पर प्रिंसिपल अमाउंट के साथ एकमुश्त राशि का लाभ ले सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों बच्चों की एजुकेशन, ट्रेवल, घर में शादी ब्याह, घर की मरम्मत या मेडिकल इमरजेंसी जैसे हालातों में फिक्स्ड डिपॉजिट से समय से पहले पैसा निकाल सकते हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में बताऊंगा कि सीनियर सिटीजन को कौन से बैंक 3 साल एवं स्पेशल टेन्योर की एफडी पर 8% से लेकर 9% तक का ब्याज दे रहे हैं। और दोस्तों आज की इस वीडियो में बताऊंगा कि 1,11,000, 3,33,000 और 5,55,000 रुपये निवेश करते हैं तो आपको कितना लाभ होगा। दोस्तों ये तो रही सीनियर सिटीजन के प्रॉफिट की बात। यदि आप अपना और अपनी फैमिली के सिक्योर फ्यूचर को लेकर कोई योजना बना रहे हैं ताकि फ्यूचर में फाइनेंशियली किसी भी प्रकार की मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़े, तो दोस्तों मोस्ट पॉपुलर स्कीम NPS यानी नेशनल पेंशन सिस्टम में निवेश कर सकते हैं। अब दोस्तों आपका प्रश्न होगा कि हम NPS में ही निवेश क्यों करें, तो दोस्तों बताना चाहता हूं कि NPS बेसिकली वॉलेंटरी रिटायरमेंट स्कीम है, जो आपको रिटायरमेंट फंड और मंथली पेंशन प्रोवाइड कराता है। इसके अलावा दोस्तों स्पेशल कंडीशन में पार्शियल विड्रॉल की फैसिलिटी भी उपलब्ध कराता है। कोई भी पर्सन अपनी वर्किंग लाइफ यानी 18 ईयर से 65 ईयर के दौरान निवेश कर सकता है। दोस्तों यदि टैक्स बेनिफिट की बात करें तो NPS में सेक्शन 80C के तहत 1,50,000 रुपये निवेश कर सकते हैं। साथ ही साथ सेक्शन 80CCD1B के तहत 50,000 रुपये निवेश कर सकते हैं। NPS में निवेश करने पर ट्रिपल टैक्स बेनिफिट का लाभ मिलता है, यानी दोस्तों इन्वेस्टेड अमाउंट, रिटर्न, विड्रॉल फ्रॉम मैच्योरिटी अमाउंट पर टैक्स नहीं देना होता। दोस्तों NPS में निवेश करने के लिए एक मोस्ट पॉपुलर ऑनलाइन ऐप है ET Money ऐप। अब दोस्तों कई लोगों का प्रश्न होगा कि हम ET Money ऐप से ही निवेश क्यों करें, तो दोस्तों बताना चाहता हूं कि ET Money ऐप से NPS में इन्वेस्टमेंट SIP से भी कर सकते हैं, और वो भी सेमलेस एंड पेपरलेस तरीके से। आप ET Money ऐप में अपने अकॉर्डिंग सिप डेट एंड अमाउंट सेलेक्ट कर सकते हैं और अपने मुताबिक मॉडिफाई भी कर सकते हैं। उसके अलावा फिक्स डिपॉजिट म्यूचुअल फंड की SIP में अपने अकॉर्डिंग डेट एंड अमाउंट सेलेक्ट कर बगैर कमीशन के निवेश कर सकते हैं, और ET Money ऐप बीमा पॉलिसियों में भी निवेश करने की फैसिलिटी अवेलेबल कराती है। दोस्तों ET Money ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है, ऐप को इंस्टॉल कर इजीली सुरक्षित इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर कोई डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से ET Money ऐप पर जाता है तो उन्हें ET Money जीनियस का 45 दिन का फ्री ट्रायल मिलेगा। दोस्तों गवर्नमेंट और प्राइवेट बैंकों की तुलना में यदि प्राइवेट सेक्टर की बैंकों की बात करें तो DCB बैंक और AU स्मॉल फाइनेंस बैंक ने वरिष्ठ नागरिक को 3 साल की FD पर 8% ब्याज का ऑफर किया है। इसके अलावा दोस्तों पुराने बैंकों में से एक बैंक बंधन बैंक ने सीनियर सिटीजन को स्पेशल टेन्योर के साथ 6 दिनों के फिक्स डिपॉजिट पर 8% का ब्याज का ऑफर किया है। दोस्तों यदि रिस्क और सेफ्टी को लेकर आपके मन में सवाल आ रहा है तो दोस्तों बताना चाहता हूँ कि इंडिया में जो भी स्मॉल फाइनेंस बैंक होती हैं वो उतनी ही सेफ होती हैं जितनी गवर्नमेंट और प्राइवेट बैंक होती हैं, क्योंकि दोस्तों RBI के रूल सबके ऊपर सेम एप्लीकेबल होते हैं। RBI टाइम टू टाइम सभी बैंकों को मॉनिटर करता रहता है। DICGC की तरफ से बीमा कवर का लाभ मिल सकता है। DICGC भी रिजर्व बैंक की सब्सिडियरी है जो ग्राहकों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है। दोस्तों यदि आप DCB और AU स्मॉल फाइनेंस बैंक में 8% ब्याज के साथ 3 साल के लिए 1,11,000 रुपये निवेश करते हैं तो आपको 29,775 रुपये का ब्याज मिलेगा, यानी दोस्तों टोटल मैच्योरिटी अमाउंट 1,40,775 रुपये मिलेगा। दोस्तों यदि आप 3,33,000 रुपये इसमें निवेश करते हैं तो आपको 89,322 रुपये
ब्याज मिलेगा, यानी दोस्तों टोटल मैच्योरिटी अमाउंट 4,22,325 रुपये मिलेगा। दोस्तों यदि आप 5,55,000 रुपये इसमें निवेश करते हैं तो आपको 1,48,874 रुपये का ब्याज मिलेगा, यानी दोस्तों टोटल मैच्योरिटी अमाउंट 7,03,874 रुपये मिलेगा। दोस्तों यदि बंधन बैंक की बात करें तो 600 दिनों के स्पेशल टेन्योर की एफडी पर 1,11,000 रुपये यदि आप निवेश करते हैं तो आपको 14,970 रुपये का ब्याज मिलेगा, यानी दोस्तों टोटल मैच्योरिटी अमाउंट 1,25,970 रुपये मिलेगा। दोस्तों यदि आप इसमें 3,33,000 रुपये निवेश करते हैं तो आपको 44,909 रुपये का ब्याज मिलेगा, यानी दोस्तों टोटल मैच्योरिटी अमाउंट 3,77,909 रुपये मिलेगा। दोस्तों यदि आप इसमें 5,55,000 रुपये निवेश करते हैं तो आपको 74,848 रुपये का ब्याज मिलेगा, यानी दोस्तों 6,29,848 रुपये मैच्योरिटी मिलेगी। दोस्तों यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक 181 दिन के स्पेशल टेन्यू पर सीनियर सिटीजन को 9% अधिकतम ब्याज दे रही है। दोस्तों यदि आप इसमें 1,11,000 रुपये निवेश करते हैं तो आपको 4,846 रुपये का ब्याज मिलेगा, यानी दोस्तों टोटल मैच्योरिटी अमाउंट 1,15,846 रुपये मिलेगा। दोस्तों यदि आप इसमें 3,33,000 रुपये निवेश करते हैं तो आपको 14,539 रुपये का ब्याज मिलेगा, यानी दोस्तों टोटल मैच्योरिटी अमाउंट 3,47,539 रुपये मिलेगा। दोस्तों यदि आप इसमें 5,55,000 रुपये निवेश करते हैं तो आपको 24,232 रुपये का ब्याज मिलेगा, यानी दोस्तों टोटल अमाउंट 5,89,232 रुपये मैच्योरिटी अमाउंट मिलेगा। दोस्तों यदि आपका कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि ऐसे ही नॉलेजर वीडियो आप तक पहुंचा सकूं। दोस्तों कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।